साल 2011 इस दिन मानव इतिहास की सबसे डरावना दिनों में से एक। इस दिन साइंटिस्ट की एक एक्सपेरिमेंट, एक नया इन्वेंशन जो पूरी तरह से लोगों को हैरान कर दिया था। एक घटना है 2011 की, जब साइंटिस्ट की एक टीम ने इस दुनिया की सबसे एडवांस और इंटेलिजेंट रोबोट को बनाया। और जब उस रोबोट से पूछा गया कि फ्यूचर में रोबोट्स इंसान पे राज करेंगे, ये बात साइंटिस्ट ने ऐसे ही मजाक में पूछा था, तब उस इंटेलिजेंट रोबोट ने रिप्लाई किया कि चिंता मत करो, हम रोबोट्स तुम इंसानों को चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम लोग इंसानों को अपने जू में पिंजरे में सेफ रखेंगे। और इस लाइन के बाद तुरंत उसकी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई को बंद कर दिया गया और उसी समय उसकी पूरी बॉडी को डिसेम्बल कर दिया गया। और ना जाने क्या होता अगर उस दिन उस प्रोग्राम को बंद नहीं किया होता। अगर हम उस रोबोट की बात माने तो ये सभी चीज़ें आ चुका है, आज के समय में भी ये हो रहा है। जैसे आपके फ़ोन में गूगल असिस्टेंट, एप्पल की सीरी, एलेक्सा, ये सब और कुछ नहीं, ये एक टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ही है जिसे हम हर समय यूज़ करते हैं। हर समय हमें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, ये सभी जानकारी उनके पास रहते हैं। जैसे मान लो आप किसी मिस्टीरियस वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, फिर देखना उससे रिलेटिव और भी वीडियो यूट्यूब आपको दिखाती है। आप ऑनलाइन से जब किसी प्रोडक्ट खरीदते हो तब उसी तरह और प्रोडक्ट उस वेबसाइट आपको दिखाती है। आप फेसबुक में जिस टाइप का पेज लाइक करते हो उसी तरह और भी सिमिलर पेज आपके सामने आ जाता है। और ये हो पाता है उस वेबसाइट के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी जो कंप्यूटर दिमाग रहती है उसी के कारण। हालांकि इस टाइप का AI हमारा बहुत काम आती है, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा खतरनाक और इंटेलिजेंट AI की बात कर रहे हैं जो खुद सोच सकते हैं, नया भाषा बना सकता है, खुद को डेवलप कर सकता है। और इसी टाइप का AI रोबोट आज की समय बहुत जल्दी से डेवलप हो रही है। और सबसे पहले इस घटना की शुरुआत साल 2017 को हुआ। इस साल जुलाई अगस्त की समय फेसबुक की इंजीनियर्स एक बहुत ही एडवांस चैटबॉट बनाने लगे। चैटबॉट यानी एक ऐसा कंप्यूटरी दिमाग जिसे आप मैसेज करते हो और वहाँ से ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता है। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान फेसबुक के एक बहुत ही इंटेलिजेंट डेवलपर के मन में एक आइडिया आया, चलो दो बॉट्स यानी दो कंप्यूटरी दिमाग को इंसानों से नहीं बल्कि आपस में बात कराया जाए। और उन्होंने बॉट के नाम रखा बॉब और एलिस। फिर दोनों ने बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से बात करने लगा। और दोनों ने आपस में बात किया कहा उसकी कॉपी ये देखो, बॉब आई कैन एवरीथिंग एल्स। फिर एलिस ने बोला, बॉल्स हैव जीरो टू मी .. बॉब यू आई एवरीथिंग एल्स। एलिस, बॉल्स हैव ए बॉल्स टू मी। फेसबुक के इंजीनियर्स को कुछ समझ नहीं आ रहे थे कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहा है। फिर बाद में और रिसर्च के बाद पता चला कि ये दोनों तो आपस में ही एक नया भाषा डेवलप कर चुका है और अपनी भाषा में इंसानों से बात कर अपने आप में ही बात कर रहा है। लैंग्वेज यानी नया भाषा बनाना ये कोई आम बात नहीं, ये सिर्फ ज़्यादा इंटेलिजेंट जी भी कर सकते हैं जैसे हम इंसान। लेकिन उन्होंने ये किया, ये सच में हुआ। वो कंप्यूटरी प्रोग्राम होते हुए भी बिना ह्यूमन को जानकारी दिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पावर की मदद से एक नया भाषा बना लिया। और ये किसी मामूली बात नहीं। और इस घटना के कुछ दिन बाद ही इंटरनेशनल न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि फेसबुक के एक्सपेरिमेंट को मजबूरी में बंद कर दिया, क्योंकि इंजीनियर्स को लगा कि ये प्रोग्राम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन गए थे और वो कंट्रोल की बाहर जा रहे थे। और ये घटना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की दुनिया की सबसे डरावना घटना में से एक। और इसी से जुड़े एक लॉ है जिसे मोर्स लॉ कहते हैं। यह लॉ एक कहता है कि हर एक से दो साल के अंदर जितने भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है कंप्यूटरी पार्ट में वो डबल हो जाएंगे। और जब से पहला कंप्यूटर बना तब से लेकर आज तक ये लॉ सची हुई है। और सर स्टीफन हॉकिंग ने तो अपने जीवन काल में एक बार नहीं बल्कि कई बार ये कहा कि AI कोट एंड मैनकाइंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमारा दुनिया की आखिरी इन्वेंशन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमारा दुनिया की अंत होगा। अगर हम कंप्यूटरी दिमाग की कंट्रोल खो दिया तब इस दुनिया पे एक लड़ाई होगी, एक ऐसा लड़ाई जो कि कंप्यूटर और इंसान के बीच में होगी, एक लड़ाई जिसे इंसान कभी भी जीत नहीं पाएंगे। और क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि अगर कंप्यूटर आपस में खुद का लैंग्वेज बना सकता है, खुद बात कर सकता है और खुद को डेवलप कर सकता है, तो इन सभी चीज़ों को मिला के अगर एक बहुत ही इंटेलिजेंट AI बना तब वो एक इंसानी दिमाग से कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। और पूरी धरती पे इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट दिमाग और किसी चीज़ या किसी प्राणी का नहीं है।
पर अगर कंप्यूटर ऐसा करने में सक्षम होंगे तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। हम लोग चाहे कोई सा भी तरीका जमा ले, कितने भी कोशिश कर ले इन रोबोट को हराने का, हमें कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी माइंड की पावर अनलिमिटेड टाइम से ज़्यादा होगी। वो खुद को कभी भी किसी भी हालत में खुद को अपडेट कर पाएंगे। और आज से कुछ साल बाद जब प्रोसेसर की क्षमता 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब वो बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर को एक्सेस कर पाएंगे और उनकी कम्युनिकेशन स्पीड लाइट की गति से भी जल्दी होगी, जो करीब 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड की हिसाब से होगी। पर जो इंसानी दिमाग होती है उसकी न्यूरॉन की कम्युनिकेशन स्पीड सिर्फ 400 किलोमीटर पर आवर्स की हिसाब से, क्योंकि इंसानी दिमाग की साइज लिमिटेड मात्रा में होती है। इसीलिए दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन होती है वो सिर्फ लिमिटेड मात्रा में आ सकता है, पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के ऐसा कोई लिमिट नहीं होगी। चलो फ्यूचर की बात तो कर ली हमने, पर अगर अभी की बात करें तो ऐसे कोई कंप्यूटरी दिमाग नहीं बना जो इंसानी दिमाग से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। पर ध्यान से सुनो, अगर कंप्यूटरी दिमाग इंसानी दिमाग से 1% भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गया, तब उस इवेंट को कहेंगे सिंगुलरिटी। यही सही उस कहानी की शुरुआत होगी। और हाँ, फ्यूचर की बात तो कर ली हमने, पर अभी की बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि फ्यूचर में और भी ऐसा ही मिस्टीरियस वीडियो आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।